इश्क वेश्क प्यार व्यार। जिंदगी में सबको एक बार प्यार होता है या फिर बहुत बार होता है? मुझे तो नहीं लगता कि एक बार होता है। You want to put your heart, sweat, blood, tears, everything in it. हमको कभी वो मिला ही नहीं। हाय दोस्तों, हमारी पिक्चर आ रही है इश्क वेश्क रीबाउंड। कंप्लीटली नई कहानी है। पहली वाली में भी एक नई लव स्टोरी आई थी जो जरूरत थी वो टाइम पे। आज भी एक नई फ्रेश लव स्टोरी की जरूरत है। और हम लोग हमेशा ये चीज का ध्यान रखते हैं कि म्यूजिक हमारा बहुत अच्छा हो। बड़े सारे रूमर्स हैं कि शाहिद और अमृता में से किसी का कुछ तो एंट्री हो सकती है। डेफिनेटली पता चलेगा। 2024 में सबसे बड़ा फ्लेक्स कॉलेज में क्या होता है? फॉलोअर्स बढ़ जाए या कुछ? बाहर देखो, फोन के बाहर भी दुनिया है। दे हैव द मेसिएस्ट रूम्स। झूठ बोल रहा है। हाय एवरीवन, इंस्टाग्राम खोलो और एक गाना आजकल इतना ज्यादा सुनाई दे रहा है, एंड दैट इज जिंदगी में होता है सबको एक बार। इश्क वेश्क प्यार व्यार। इश्क वेश्क प्यार व्यार। हेलो एवरीवन, हाय रोहित, हाय शुभिया, हाय चित्रांत, हाय नायला, हेलो रमेश सर एंड हेलो निपुण सर। आप तो मतलब आपको तो थैंक यू है कि आपने बना दिया सेकंड पार्ट। मैं तो फर्स्ट पार्ट रिपीट पे देखे जा रही थी। अच्छा, जिंदगी में सबको एक बार प्यार होता है या फिर बहुत बार होता है? मुझे तो नहीं लगता कि एक बार होता है। मुझे तो लगता है बहुत बार होता है। अच्छा, एंड नॉट ओनली रोमांटिकली ना, आई फील कि बहुत अलग अलग रीजंस एंड लोगों के साथ आपको एंड सिचुएशंस के साथ आपको। यार ये वो वाली बात थोड़ी ना हो रही है ना, रोमांटिक वाली। नो नो, रोमांटिक वाली बात कर रहे हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली। दिव्या, मुझे तो लगता था एक बार होगा, बट एक बार हुआ नहीं, वैसा वाला मिला नहीं, तो होते रहता है। अच्छा, अच्छा, ओके ओके ओके, मतलब बहुत बार हो गया है। I think उनके ओपिनियन बहुत अलग होंगे, रमेश जी और निपुण जी। उनको मिल गया ना वो वाला प्यार। जिंदगी का पता नहीं, फिल्म में तो एक से ज्यादा बार होता है। अच्छा, तो फिर जिंदगी से देख के तो बनाते हो आप? हाँ, वही तो। फर्स्ट में भी शाहिद को उसमें तो एक ही बार हुआ था, बट वो वहाँ पे भी एक रीबाउंड था, और यहाँ तो इश्क विश्क रीबाउंड इज द होल स्टोरी। सो गाइस, आप सबसे ही सवाल है, सर आपसे भी है, कि इश्क विश्क रीबाउंड बन रहा है एंड देयर इज ऑलरेडी इश्क विश्क इज वेरी आइकॉनिक आई बिलीव, तो किसी तरह का आप लोगों पे प्रेशर फील हो रहा था कि यार इतनी बड़ी चीज है, दोबारा से हम इसमें एक्ट करेंगे, शाहिद वाज देयर, अमृता वाज देयर, और हमें अब देखना है कि सेकंड पार्ट बहुत एंटरटेनिंग हो, उससे भी ज्यादा हो, इवन किसी तरह का प्रेशर फील हुआ? एक्चुअली हमारे लिए ना ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये फिल्म का सीक्वल नहीं है, कम्प्लीटली नई कहानी है, और हमारे किरदार भी कम्प्लीटली नए और अलग है, तो ये ना ही रीमेक है ना ही सीक्वल है, सिर्फ फ्रेंचाइज से बिलोंग करता है, और हम इतने ग्रेटफुल है कि वी गॉटन द अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेंचाइज। देर इज़ नथिंग एल्स टू फील दैन दैट, एंड देन व्हेन यू फील दैट यू वांट टू गिव इट एवरीथिंग यू गॉट, यू वांट टू पुट योर हार्ट, स्वेट, ब्लड, टीयर्स, एवरीथिंग इन इट। एंड मैम, आई डोंट थिंक सो प्रेशर अबाउट the first Ishq Vishk, but definitely pressure to live up to the title we have, you know, jaise Pashmina ne kaha, kirdaar nahi hai, story nahi hai, but wo freshness hai. Pehli wali mein bhi ek nayi love story aayi thi jo zarurat thi wo time pe, aaj bhi ek nayi fresh love story ki zarurat hai, love storyaan kam ban rahi hai, to we are bringing that. Tabhi bhi music naya tha, refreshing tha, jo aaj bhi itna soothing hai. And I think we've been blessed with a great album, जो हम सब बहुत pride लेते हैं। अभी तक आपने चार गाने सुने और दो गाने अभी भी बाकी है जो आएंगे, and जितना भी प्यार मिल रहा है, I think pressure नहीं है but blessing है, and we are very happy. I think pressure was to deliver so that they feel good, that you know they've cast new people, you know, at least Pashmina and me, and I think that was great enough for us to motivate us to keep doing better. Yeah. रमेश सर आप बताओ, निपुण सर आप बताओ, कि कितना लोगों ने कुछ बोलते ही होंगे कि इश्क विश्क का सेकंड पार्ट कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, तो आपने फाइनली और यही वाली कास्ट क्यों आपने कास्ट की? देखो, आपने कहा इश्क विश्क आइकॉनिक फिल्म है, वो है एक आइकॉनिक फिल्म, बट जब हमने बनाई थी तब उस वक्त सब लोग नए थे, उस वक्त भी सब न्यू कमर्स थे, तो यू नो, तो वो आगे जाके आप आगे जाके पिक्चरें वो कल्ट फिल्में, आइकॉनिक फिल्में बन जाती हैं, बट यू नो वो इंटेंशन उस वक्त भी यही था कि एक अच्छी रोमांटिक पिक्चर, कॉलेज गोइंग पिक्चर बनाएं, जो उस वक्त तक नहीं बन रही थी। उस वक्त जितनी भी कॉलेज फिल्में बनती थी वो एक फिक्टिशियस कॉलेज होता था, यू नो, उस टाइप की कहानियाँ बनती थी, तो ये वो एक रियल कॉलेज फिल्म थी जो रियल में कॉलेज में क्या होता है, इसलिए उस वक्त भी इतनी बड़ी हिट हुई, न्यू कमर्स के होने के बावजूद भी इतनी बड़ी हिट हुई,
और हम लोग हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि म्यूज़िक हमारा बहुत अच्छा हो। और जब हमने ये पिक्चर की भी कास्टिंग की तो हमको चाहिए थे कि न्यू कॉमर्स ही चाहिए, फ्रेश चाहिए। भले रोहित ने दो तीन चीज़ें की हैं लेकिन अभी भी मुझे लगता है एज अ हीरो हीरो लॉन्च होना पिक्चर में सिनेमा में, तो आई थिंक दैट्स व्हाई वी थॉट ऑफ रोहित और उसको हमने लिया। देन पश्मीना जिब्रान स्क्रीन टेस्ट किए इनके, इन्होंने बहुत अच्छे ऑडिशंस दिए। नायला को हमने पहले भी देखा हुआ है, नायला ने भी बहुत अच्छा ऑडिशन दिया, तो उस बेसिस पे निपुण ने भी ओके किया। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि जिब्रान के रोल के लिए हमने कुछ 10-12 लड़कों को और इवन पश्मीना के लिए 10-12 लड़कियों में से ऑडिशन करके इन्होंने फाइनल किया कि हाँ यार ये दो करेक्ट है हमारी पिक्चर के लिए, और उस हिसाब से फिर पिक्चर शुरू हुई। ओके, एज आपने जैसे बोला कि म्यूजिक बहुत आप लोग ध्यान रखते हो कि बहुत अच्छा हो, म्यूजिक है तो डांस भी होगा, और डांस के टाइम मैंने सुना जिब्रान को इंजरी हो गई थी जी गोरे गोरे मुखड़े के टाइम पे, फिर तो प्रेशर आ गया होगा कुछ ना कुछ। जी जी मैम एक किस्सा है, तो आई थिंक पहला शॉट था एंड द ग्रेट फरा मैम वॉज डायरेक्टिंग अस, थैंक यू फॉर दैट सर। सो आई थिंक मैं रेडी हो गया ऐसे एंड द फर्स्ट शॉट वॉज देयर वेर वी आर वेयरिंग दैट स्लीवलेस थिंग एंड वैनिटी वैन में ना बहुत एक हैवी कुर्सी होती है, तो वो मैं ऐसे ही हटा रहा था और मैं जूते नहीं पहने थे, तो वो इतना हैवी था कि वो मेरे आगे के दो जो छोटे टोज है उसको कट कर दिए एंड देयर वाज जस्ट ब्लड एवरीवेयर। एंड मुझे तो पहली बार तो समझ में ही नहीं आया करना क्या है, एंड आई थिंक कविता मैम केम इनटू द वैन एंड शी वाज लाइक डू यू स्टिल वांट टू डू द सॉन्ग, एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो ऑफ कोर्स आई वांट टू डू द सॉन्ग। सो tabhi like how she gave you an option, yeah, and I was like oh this song is happening the song, yeah, so bahut tough tha ma'am because of course there was a lot of pain, but I think ek bar hum set pe jab chale gaye malam patti karke aur farah ma'am ki jo energy hai I think hum sab bhul gaye aur do din humne jo nacha hai maza aa gaya and it was just the best feeling and I think वो दो दिन तो पेन नहीं हुआ, बट जब मैं घर जाके मैंने पैर खोला फिर मुझे लगा कि ओके ये हुआ है, तो यार इट इज गुड यार। रोहित को भी बहुत पेन हो रहा है क्योंकि उन्हें तो ऑप्शन ही नहीं मिला, वो बहुत सरप्राइज हो गए कि ऑप्शन दिया था कि शूट करना है या नहीं। नहीं आई एम नॉट नो पेन एट ऑल, दिस वाज अ ड्रीम एंड लाइक जिब्रान सेड थैंक यू रमेश सर फॉर ब्रिंगिंग फारा मैम ऑन बोर्ड टू डू दिस, बिकॉज इन ऑल ऑनेस्टी लाइक रमेश सर सेड I've done a fair amount of work before, but I've not been able to मेरे को ऐसी opportunities नहीं मिली है जहाँ पर मैं इस तरीके के गानों का हिस्सा बन सकूँ, इस तरीके के डांस कर सकूँ, and the fact that I got to do this, I was more than excited. I did not at one given point also did not not want to do it. In fact, Pashmina and I we both shot two songs. Gee, I was just going to say yeah. that. In 4 days. Correct. तो इनकी तो band बजी पड़ी थी. Back to back 4 days. So we actually shot for 2 days outdoor in Bombay heat. It with all the dust. We first shot those 2 days. We had 1 day rehearsal then with Farah ma'am, and then we shot the second song for 2 days. So it was actually very very exciting. मुझे तो बहुत मजा आया. I didn't want to not do it. हो जाता है. And also you know it's iconic. Farah ma'am is you know the woman who's given us Chaiya Chaiya. If we and so many more iconic songs for us newcomers to just be in her presence and have her direct us. And choreograph us, it was, it's genuinely a dream come true. Definitely. okay, okay. आजकल तो लोग dating के time भी आगे बढ़ने से पहले red flag और green flag को identify कर लेते हैं, तो मैं और कुछ questions पूछने से पहले आपको कुछ character traits बताऊंगी जिस भी बंदे को आप date कर रहे हो, अगर आपको इसमें दिखते हैं तो आप उसे red flag बोलोगे या green flag बोलोगे? Okay. If the person swears a lot. Swears like गालियाँ बहुत देता है. नहीं नहीं, swears is like. रोहित के पास है That's green flag. Lots of bullets. Rohit has... Rohit is shown. No, I was not going to say shown. Okay. So, I heard you. Yeah, like, that's name and all, yeah. Nobody if the person orders off the menu for you. Orders off the menu for me. Like, I don't have a choice. Oh. Oh, that's a massive red flag. मैं तो उठ के चला रहा हूँ. मेरा खाना मेरे डेट से भी ज़्यादा important है. Exactly. I think as long as खाना हो, I'm good, yeah. Green flag. खाना हो चलेगा. Yeah, I'm so very specific. Yeah, yeah. No, no. खाना नहीं है तो आए तो can't even sit. Okay. See? I like food. Okay. Calling you with your pet name in public.
Green. It's okay. It's green. So cute. I mean, it depends whether I'm okay with it or not. Yeah. No, provided your pet name is not bad. Yeah. No, it's still sweet. Okay. Next is showing up at your work unannounced. No, that's no, red, green. Red flag. Oh, red flag. Green flag. Coffee green flag. Green flag. Okay. Next is the person gossips a lot. It's okay. Don't look at me. green. It's okay. Naira, you also any say information green. Is good information. Red. It's a red flag for red, me. Red. Okay. No, it's a green flag. It's fun. Provided it's fun in games, nothing serious. Yeah. Okay. If the person has a messy room. Red. Arre, yaar, bahut zyada red. Safai zaruri hai. Oh, I like how these two have said red. They have the messiest rooms. Not jhoot bol raha hai. Go see my room. Yeah, go see my room also. Housekeeping, yes, of course, it's clean. No. I really have changed. Oh. Okay, last is if the person spends too much time on social media. Red. Oh. No, I can't say yeah because I spend too much time. Yeah, we spend a lot of time on social media. But like, I wish. For us also red. So red. I'm saying it's a red flag for me and them also. Yeah, it should. बाहर देखो, phone के बाहर भी दुनिया है. Okay. Cool. हाँ, seriously. देखिए हम चला लें, it's okay, but सामने वाले बंदा. पश्मीना ने बोला कि मैं बहुत. नहीं. I wish that मैं भी नहीं चलाऊँ इतना. Okay. It's a red flag for me also. Okay. आगे बढ़ते हैं. मेरा next question है क्योंकि इश्क विश्क में क्योंकि मैंने कल ही देखी है. तो मुझे उसकी स्टोरी याद है बहुत ज्यादा. वहां पे सबसे बड़ा फ्लेक्स ये था मूवी में कि यार मेरी ना बंदी हो जाए, बस मेरी गर्लफ्रेंड हो जाए. और अब क्या होता है 2024 में सबसे बड़ा फ्लेक्स कॉलेज में क्या होता है? I think the biggest flex would be Instagram followers par jaya kuch, I guess. Think verified account? No, but wo bhi abhi khareed sakte hai. I think likes and followers. What could it be, sir, in today's time? College flex? This I think the biggest flex right now would be, hey, listen, you know what, I'm dating and we've been dating for the last 10 years. I think that would be a flex. But that's she's very impressed. That's an absolute rarity. Absolute rarity. Yeah, but that's flex worthy, I feel. Of course, but yeah, you well think said. That's flex worthy? No, as a 90s kid. Yeah, no. Oh, like that. I agree with what you're saying. No, I agree cooler. With what you're saying. But yeah. Like, will a child in college think yes. that? No. Think like a 16, 17 year old. They are thinking followers and kya likes. RT's like, mujhe or like, mat poochho ye sab. Yeah. Or you know, actually for me in school, it was like if you were the head of like some organizing. Yeah, committee event, head or something. I think that's a like, flex. In Jai Hind, there was DTOR. So if you were the head of DTOR or something, that's a flex. Okay. I think, yeah, this one we don't know. Acha, you don't know. But are you asking can... love specific? No. What is the biggest flag when you are in college? But flex. It's a love specific name. Biggest flex. Then I'm pretty sure it's this if you are the head of some fest or something. Because then you get lots of importance. Yeah. But wo to tab bhi tha. Nahin, abhi bhi we went to Xavier's recently. I felt like it was a thing still. No? Yeah, it was. Okay, Ramesh sir, Nipun sir. आप बताओ आपने 2024 वाला ये जो लव एंगल है रीबाउंड एंगल है ये आपने कहाँ से इतना नोटिस किया कि यार ऐसा रखते हैं स्टोरी में ऐसा तो होता है आई थिंक ये आइडिया है हमारी जो दूसरी प्रोड्यूसर है जया तौरानी उनकी आइडिया थी एंड शी गॉट इन द राइटर्स एंड शी गेव देम द आइडिया एंड द राइटर्स वैशाली विनय केतन दे क्रैक्ट अ वेरी गुड स्टोरी अराउंड इट एंड देन आई वॉज ब्रॉट इन एज अ डायरेक्टर फॉर दिस स्टोरी फॉर द फिल्म दैट दे हैड रिटन एंड आई रियली लाइक द कोर ऑफ इट उसमें एक बहुत अच्छी कहानी थी जिसमें सच्चे किरदार थे अच्छे टूडे द कैरेक्टर्स वर ऑल टूडे बट द कोर आइडिया आई थिंक केम फ्रॉम जया ओके और एक मुझे क्वेश्चन ये भी पूछना है कि बड़े सारे र्यूमर्स हैं कि शाहिद और अमृता में से किसी का कुछ तो एंट्री हो सकती है इश्क विश्क रीबाउंड में तो है ऐसा कुछ होने वाला है 21 जून को डेफिनेटली पता चलेगा ओके ये रूमर्स सच है या नहीं है ओके आपकी स्माइल से तो मुझे लग रहा है कि सच ही है आई एम आल्सो गुड एक्टर वेल सेड ओके एट लास्ट माय लास्ट क्वेश्चन इज ईच वन यू हैज टू टेल रीबाउंड की एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज आई थिंक अच्छी चीज़ ये है कि यू कैन फाइंड ट्रू लव इन अ रीबाउंड रिलेशनशिप बुरी चीज़ ये है दैट यू हैव नॉट हील्ड फ्रॉम व्हाट यू हैव गॉन थ्रू एंड यू हैव जंप्ड इनटू अनदर रिलेशनशिप इमीडिएटली जब तक यू डोंट सॉर्ट योर हेड आउट विद द प्रीवियस वन वो कहीं ना कहीं इट विल रिफ्लेक्ट इन योर लाइफ सो आई थिंक दैट्स वन गुड थिंग एंड बैड थिंग पश्मीना अच्छी चीज़ इज दैट टू अच्छी चीज़ इज
One you Jesus. Can find it. Jesus. Ek to you can find the love of your life if it works out. The second one is coming on 21st June. Ishqish Reva. Good job. And the bad thing is that people can get hurt. Okay. If it doesn't work out. Okay. Gibran? मेरी कोई अच्छी चीजें नहीं है बुरी चीजें भी नहीं है रीबाउंड मेड इट कंप्लीटली रॉन्ग फॉर यू नो आई डोंट नो व्हाट टू आंसर आई एम एक्चुअली सो देयर वाज नथिंग एल्स ही जस्ट वांटेड टू मेक फन ऑफ मी चीजस आई थिंक यार सेम आंसर है यार अभी क्या बोलूं मैं अलग सेम भी बोल सकते हैं ना सेम ही है यार लाइक आई फील अच्छी चीज है कि आपको उसमें से प्यार शायद मिल सकता है वापस और बुरी चीज आई थिंक है कि वो फास्ट हो जाएगा तो टेक योर टाइम फिर सोच समझ के घुसिए जो चीज में घुस रहे हो क्योंकि शायद नहीं भी चले तो आप फिर हर्ट हो जाओ सो तो मेरी दो ही चीजेस हो गई अच्छा वाला अंडर प्रेशर आके बोला है कि यार अच्छे वैसे तो कुछ था ही नहीं लेकिन मैं बोल देता हूं ना आई लव कंप्लीटली और कुछ पैराफ्रेज करती हूं जो सब नहीं किसी और लैंग्वेज में नहीं अदर लैंग्वेज असी बोंजूर मैडमोज़ेल आई थिंक एक अच्छी चीज होगी दैट it allows for just more options that means you don't need to be held up with the previous baggage of your relationship so it's easier to bounce back maybe it gives you an option to bounce back faster if you're in a rebound buri cheez ye hai ki I think kafi zyada messy ho sakta hai and I feel like that mess will not be a plus point for either of the two people in that relationship so it can be quite messy okay ramesh sir nipun sir हमको वो चांस ही नहीं मिला आपने तो आपने तो दोनों ही हमको कभी वो मिला ही नहीं हम लोग को 40 साल हो गए शादी करके तो हमारा कोई रूह ये मैं बोल सकता हूँ रीबाउंड में तभी जाना चाहिए जब पहले से पहली जो रिलेशनशिप है आपकी उससे टोटली आप फ्री हो जाओ then you should go for it यार अच्छी चीज़ ये कि आप अकेले नहीं रहते और बुरी चीज भी वही है आप अकेले नहीं रहते ये राइटर गिरी नॉट अलाउड यार दिस इज वेरी डीप चीजेस पे आ गया यू मेड मी ना कोई बस चीजेस लाइक द कंट्रास्ट दो अच्छी चीजेस एंड देन दैट वन लवली चीजेस ओके 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 21 जून को सबको क्या करना है आप बता दो खुद से 21 हाय दोस्तों हमारी पिक्चर आ रही है इश्क इश्क रीबाउंड प्लीज जाके थिएटर में देखिए साथ में समोसा खाइए पकोड़े खाइए पॉपकॉर्न खाइए कोक पी लीजिए नाचोस भी खा लीजिए और हमारे साथ गाइए नाचिए एंड बहुत सारा प्यार फैलाइए वाओ वाओ ओके दैट वाज इट